जय श्री राम दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेलो कार इंडिया पे आप सबका स्वागत है। बात करते हैं इसमें नॉर्मल से इसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती है। नेक्सॉन की जेट एडिशन ये सिर्फ टॉप मॉडल एग्जेड प्लस में ही आती है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो नॉर्मल से ये 33,000 एक्स्ट्रा पड़ती है। अब तो चलिए बिना देर करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो नॉर्मल एज इट इज़ ही मिलती है। अगर हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो प्रोजेक्टर में लो बीम और हैलोजन में हाई बीम देखने को मिल जाती है। यहाँ पे फॉग लैम्प, यहाँ पे सिल्वर गार्निशिंग देखने को मिल जा रही है। पियानो ब्लैक फिनिश में पूरी इसकी ग्रिल दी हुई है। यहाँ पे बीच में हमें टाटा की लोगो। मेजर चेंजेस की बात करें तो हम कलर से देख सकते हैं, ये है डुअल टोन में आती है, ये हल्का ब्राउन कलर में, उफ इसकी पूरी सिल्वर कलर में हमें मिल जाती है। आप अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो एलॉय व्हील में हमें जिस देखने को मिलती है, ये पियानो ब्लैक और डार्क ग्रे में अलॉय व्हील मिल जाते हैं। यहाँ पे टाटा की लोगो, ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिल जाती है। यहाँ पे हमें हैशटैग जेट की बैचिंग मिल जाती है। ये हो गई इसकी साइड प्रोफाइल। अब अगर रियल प्रोफाइल की बात करें तो रियल प्रोफाइल कुछ इस तरह की है। यहाँ पे टाटा की लोगो, यहाँ पे हमें नेक्सॉन की ब्रांडिंग मिल जाती है, शार्कफिन एंटीना, हाई स्टॉप माउंट लाइट। इसकी बात करें तो एक्सटीरियर में सिर्फ हमें इसकी कलर थीम ही चेंज देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसकी इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। इसकी सीट अपहोल्स्टरी हमें पूरी लेदर में देखने को मिलती है। वेंटिलेटेड सीट हमें ड्राइवर को ड्राइवर सीट मिल जाती है। अब अगर इसकी डोर ट्रिम की बात करें तो डोर ट्रिम हमें ये ब्रॉन्ज लाइट ब्राउन कलर की फिनिश देखने को मिलती है, जो काफ़ी इसे प्रीमियम बना रही है। ये सॉफ्ट टच है, ये सारी हार्ड टच है। पियानो ब्लैक में हमें डोर हैंडल देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ पे बोतल होल्डर, ये विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स यहाँ पे दी हुई है। इंटीरियर हमें कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टाटा की लोगो, पियानो ब्लैक फिनिश में इसकी स्टेयरिंग में हमें पूरी रेदर लैप मिल जाती है। बात करें इसकी इंटीरियर की तो हमें नॉर्मल एडिशन इसमें हमें सिर्फ यहाँ पे वायरलेस चार्जर, कलर थीम इंटीरियर में हमें सिर्फ चेंजेस देखने को मिल रही है। यहाँ पे सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे ब्रॉन्ज कलर की गार्निशिंग दी हुई है, जो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ लास्ट तक आती है। और ये जो देख रहे ये डॉटेड सेव है, ये पूरी सॉफ्ट है। नॉर्मल सारी फीचर्स हमें मिल जाती है जो हमें नॉर्मल टाटा नेक्सॉन में मिलती है। आर्मरेस्ट, को ड्राइवर साइड भी हमें वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। थ्री मोड, सिटी मोड, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का सॉकेट, साथ में एक USB पोर्ट। यहाँ पे भी हमें नेक्सॉन के ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। हजार्ड लाइट, ऑटो डिमिंग IRVM। अगर रियर की बात करें तो नेक्सॉन केबिन कम्फर्ट के नाम से ही जानी जाती है। रियर में भी दो कप होल्डर आर्मरेस्ट के साथ आ जाती है, पूरी लेदर अपहोल्स्टरी के साथ आती है। हेडरेस्ट में हैशटैग जेट की बैचिंग देखने को मिल जाती है, जैसे कि सभी डार्क एडिशन में यहाँ पे हैशटैग डार्क की बैचिंग मिलती है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाती है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ। अब अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाती है इसमें हमें। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपको हम दिखाना चाह रहे थे कि नॉर्मल नेक्सॉन में और जेट एडिशन में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।